यहाँ बैठा है राजनीति करने, पांच साल जाते हैं ना अंदर आप जैसे 50 बैठा रखे हैं, कोई बोलता है कहता है बैठ जाए यहाँ, कोई नहीं ऐसे ऐसे बोलता पांच सप्तों में। लेकिन बच्चे हम लोग कोई गुंडे थोड़ी ना, हम लोग एक अच्छी अच्छी मांग के लिए हम लोग आए हैं, कोई गलत मांग नहीं सर। हमारे बहन भाई बच्चा सुनो सर, किसी ने कोई कोई व्यक्ति विशेष कर यहाँ पे कर नहीं रहा, सभी किसान जी मांग रहे स्टेट बढ़ाता हूँ, स्टेट के लोग वोट देके बढ़ाते हो, वहाँ उसके ऑफिस में जलसा करता है सर। मैं बताता हूँ हमने तो सीएम देने के लिए बड़े इधर से निकलो यार, इधर से सारे किस तरह से धक्का ना करे, मुश्किल हो गया तेरा, धक्का देख ले किस तरह से ये ये बोला है।
हम गाली गलौज करेंगे फिर हम दूसरे रूप में आ जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा यही है कि आप गए और हम लास्ट ऑप्शन देते हैं कि लड़कियों को अंदर जाने दो, हम नहीं जाएंगे, लड़कियों को जाने दो, एक लड़का नहीं लड़का अंदर नहीं जाएगा, लड़कियों को जाने दो। सहम तो आप भाई सब नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे, बहुत टाइम नहीं जाएंगे, जाने फ्यूचर का सवाल है हमारे, फ्यूचर का स्टूडेंट है हमारे कुछ नहीं होता है, कल इतनी बंदे अरे भी चीज बने तो बुला लो, चीज बने तो बुलाओ उप मुख्यमंत्री का पुतला बनाओ, उप मुख्यमंत्री सिर्फ दो दो चूड़िया लाओ, चूड़िया पेंट करके जाओ, दो दो चूड़िया पेंट करके लड़कियों को नहीं इसी तुम में काम करो।
पूजा अगर आपको रोक रहे हैं तो मेरी बात सुनो, छोरियां हाथ लगा दी उन्हें, मेरी को नहीं लगा, हाथ लगा मेरी छोरियां देखो बिल्डिंग तोड़ने का ऐसा काम नहीं हमारा। हमने शांति में 2 घंटे बैठे बैठे ना अपना
कोई नहीं, समाधान कल आएंगे, परसों आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी तोड़ दो समाधान नहीं हमारा, क्योंकि यही आप पढ़ रहे हैं तो मेन मोटिव ठीक है उसका पैर दो यहाँ अभी तोड़ना नहीं है, हम शांति में ऐसे बाकी डर की कोई जरूरत नहीं है चलो कोई नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, इससे सारे काम करो, पूरी काम करो,
साहब एक काम करो, किसी साहब हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसी साहब हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बोलो भारत माता की जय। जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लाठी गोली खाएंगे, शिक्षा को बचाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, शिक्षा को बचाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एक दो किसी को मार फेंक दो, एक दो किसी को मार फेंक दो, एक दो किसी को मार फेंक दो। तुम्हें काम करो, काम करो, किसी तुम्हें काम करो, काम करो, किसी तुम्हें काम करो, काम करो, किसी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, किसी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दुर्भाग्य की बात है कि 2.5-3 घंटे आंदोलन करने के बाद भी किस तरह गेटों पे बड़े बड़े ताले और नारे लगा दी जाती है। एक तरफ तो वाइस चांसलर कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए विद्यार्थी के लिए कार्य करता हूँ, दूसरी तरफ हजारों कार्यकर्ता स्टूडेंट लाखों खड़े हैं, मिलने का काम नहीं करता। क्या ऐसा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाइस चांसलर साहब, हम आपसे एक ही मांग करते हैं कि शांति प्रिय से आप हमारी समस्या सुनेगा, अगर आप हमें उकसाने का मत करेगा। 4 घंटे से आंदोलन ज्यादा चुका है, नहीं तो ये भी एक किसान आंदोलन का रूप ना ले लग गई। कहीं आपकी जिद और अड़ में कई कार्यकर्ताओं का नुकसान ना हो, विद्यार्थियों का नुकसान हो। तो वीसी साहब अभी यहाँ मैं कहता हूँ 20 मिनट का समय हो देता है, इसके बाद हम दफ्तर में घुसने का काम करेंगे। अभी 20 मिनट के बाद हम दफ्तर की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो 4 घंटे बार भी इनका इंतजार करा और पुलिस प्रशासन हमारे बीच में है, इनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे इस तरह सपोर्ट में कर रहे हैं। और इन्होंने देख देख काम हो रहा है, तो जिस तरह ये ताना सही कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो मित्रों ऐसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। हमें आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे के रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसे दिंदों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना चाहिए। हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो जिसका सरकार दोषी वाइस चांसलर है। और भी कोई विद्यार्थी कुछ बोलना चाहता है, कुछ समस्या है तो खुल के बताइए। यहाँ पे कोई मंत्री है, अंदर 2 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाती है। अभी मंत्री से कम नहीं है, पुराने वाले मान जैसे हैं, क्योंकि आज का टाइम यूथों का टाइम है। हम सुनते हैं कि 70% युवाओं का देश है भारत, युवाओं की हालत देख लो। पहले तो सरकार ने हमें ऐसा बना दिया, प्रमोट कर दिए, पढ़ाई छुड़वा दी, रोजगार है नहीं। हम पेपर देना चाहते हैं मगर ये पेपर अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं, दुर्भाग्य की बात है। और जिस वजह से हमें ये मांग पर ये भी लिख करना पड़ा आज। अभी हमारा जो रणनीति है वो हमारी पुतला फूकने की भी है, जैसे इनका काम है। तो शर्म की बात है, वो वाइस चांसलर ये विद्यार्थी अपने घर छोड़ के छात्राएं आई हैं, इसकी बात नहीं सुन सकता। शर्म की बात है, प्रशासन खड़े हैं यहाँ, इन्होंने भी देखा होगा कि वाक्य में ये विद्यार्थी जेन्युइन मांग लेके आए हैं, और वाइस चांसलर की नाकामी या कुछ मर्जी लगा लो जो मिल नहीं रहा विद्यार्थियों से, तो दुर्भाग्य की बात है ये। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, गेट बूट ये तो सब होता रहता है, प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट हम अपनी मांग नहीं मनवाएंगे तो कैसे मनवाएंगे। तो अभी सभी विद्यार्थी गए हुए हैं, 15 मिनट का टाइम लिया, देखते हैं आपसे ही निर्णय लेके आके हम जो करेंगे, क्योंकि बार बार विद्यार्थी घर से नहीं निकल सकता, एक बार आया तो विद्यार्थी अपनी मांग पूरी करवा के ही जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी अब हम इकट्ठा हैं तो जितनी बुलंदी आवाज से हम वहां तक आवाज पहुंचाएंगे तो अच्छा रहेगा। पानी सभी को दे दो भाई, अंदर और ना। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद। इसी तुम में काम करो, चूड़ियों से काम करो, इसी तुम में काम करो, चूड़ियों से काम करो, इसी तुम में काम करो, चूड़ियों से काम करो। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद। पानी की बोतल दे दो, करवाना पड़ेगा पानी, और दे दो, बोतल पानी मंगवा दो।
मैं मीडिया वालों को कहूंगा, जो भी आप खड़े हैं, आप देखे बच्चे कितने गर्मी में मर रहे हैं, मगर आपने देखा कि वाइस चांसलर सुनने तक नहीं आ रहा। और यही देखो, आपके आगे ये बोल रहे थे तीन जने अंदर चले जाओ, तीन जने अंदर जाते तो दबा देते, क्योंकि इनका सदा से यही पॉलिसी है, अंदर दस जने बुला के वो तीनों को दबाने का काम करेंगे, इसलिए हम बार बार नहीं जा रहे थे। मैंने आपको बताया, हमने तो मांग, हमें पता है क्या है। एक बार ना सारे देखो, हम भी समझदार है, सारे बैठ जाएगा, हमने तो वादा करा ना शांति कैसे करेगा, सारे बैठ जाओ भाई, आपके लिए 15 मिनट साहब मीटिंग कर दी है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्या पता आप समझदार हो जाए, तो कल से ओवर ओवर करेंगे दोनों को, ठीक है, मैं लाखों के बच्चों से मिलती है, हमारे हित का निर्णय लेना, यूनिवर्सिटी बोले लगाने में सिखारी है पैसे, वाइस चांसलर जब वो ब्लैक पेपर ले सके फिर काहे के डर सामने लगवा रखी होगी, 2-2 लाख रुपए थाने डलवा देगा वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, मिसी तुम में काम करो, मिसी तुम में काम करो, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी, मारी मांगे पूरी करनी होगी, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 इसी तुम में काम करो, दुनिया का नाम करो, इसी तुम में काम करो, दुनिया का नाम करो, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 इसी तुम में काम करो, दुनिया का नाम करो, इसी तुम में काम करो, दुनिया का नाम करो, इसी तुम में काम करो, दुनिया का नाम करो, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो, फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो, फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी, वाइस चांसलर एक काम करो, वाइस चांसलर काम करो, दुनिया का नाम करो, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद, 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 फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो, फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो, फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो, मारी मांग पूरी कर होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी
भरनी होगी। छत्रपति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गृहस्थी प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गृहस्थी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छत्रपति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी पीछे भाई बैठे हैं तो सभी साथ नारे लगाएंगे। मैं नारा लगाऊंगा स्टूडेंट पावर, आपने बोले नेशन पावर। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो? फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो? हमारी मांग पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी। हमारी मांग पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी। फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो? ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो? फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो? भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी। हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। रोटी कौन खा गया है? विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीसी मर गया, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पीसी मर गया, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी एक बात बता देता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए मगर यहाँ पे जैसा सिस्टम चल रहा है कि जिस वजह से यहाँ आए आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से उनकी सपोर्ट रही है। एक छात्र संगठन है, नाम ले लेता हूँ, चलो मैं उनका, इनसो। इनसो छात्र संगठन है, 2020 के अंदर उन्होंने बड़ी जोर से आवाज उठाई थी, दिग्विजय चौटाला नाम सुना होगा आपने। ऑनलाइन परीक्षा करवाएंगे हम, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। तो मैं उनको आज मीडिया भी बैठा था, मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, मैं क्या, आप श्रेय ले लो, हमारा श्रेय हम उनको देते हैं, मगर बच्चों की जो बात है आप करो ना। अब वो कहाँ है सारे, जो और भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ की इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ है सारी? तो बच्चों की बात कोई नहीं करता यहाँ। मैं तो वाइस चांसलर को माध्यम से उनके भी कहना चाहूंगा कि प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, हम जो भी करने को तैयार हैं, मगर हमारे जो यहाँ भाई बहन इकट्ठे हुए हैं इनकी समस्या हल कर दो। आप कहोगे कि आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 महीने नहीं आना, हम नहीं आएंगे, मगर हमारे भाइयों की मांग पूरी कर दो। दुष्यंत चौटाला जी को भी मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करूंगा, अजय जी चौटाला जी को भी आग्रह करूंगा, प्लीज इस यूनिवर्सिटी और इन विद्यार्थियों के बारे में सोच लो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सभी से, क्योंकि आपने वादे बहुत किए हैं, हम युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमारे डिप्टी सीएम भी युवा हैं, तो वो भी इन बच्चों के बारे में सोच ले प्लीज एक बार। कोरोना डेल्टा प्लस एक वेरियंट बता रहे हैं जो हावी हो रहा है, मेरे पास न्यूज कटिंग भी है, उसमें बताया गया फरीदाबाद में भी केस आने स्टार्ट हो गया। बच्चे पलवल से यहाँ आएंगे पेपर देने, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये सोचने की बात है, हम ऐसे कोई तरकीन मुद्दे नहीं लेके आए जिससे वाइस चांसलर बार बार घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। हम तो यही बताने आए हैं कि जो मांग लेके आए हैं, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते
वो मांग लेके आए जिनका हम पूरा करवा सकते हैं। नहीं तो हमें एक लाइन लिखने में इनके अपनों में क्या होता था कि प्रमोट किया जाए, लिख सकता था कि नहीं लिख सकते थे। मगर हम भी चाहते हैं प्रमोट नहीं होना चाहिए। पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो उसी को लेके पता नहीं वाइस चांसलर को अभी भी नहीं समझ आ रही कौन सी जिद्दी है कौन सी अड़ियलता है। इतने पुलिस वाले अपने काम धंधा छोड़ के, बहने अपने घर से निकल के, भाई आए हुए हैं, पता नहीं क्या जिद पे अड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। तो सोच लो, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाओगे तो आपका भविष्य सफल नहीं है। आप आज ये लिख लो, फिर मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस यूनिवर्सिटी में रोज आपको ऑनलाइन आज ये कर दिया अखबारों में बहुत मिलेगा, बच्चों के लिए कोई भी काम नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि ये चाहती है यूनिवर्सिटी यहाँ से बच्चा कोई पढ़ के सफल हो ही ना। सिरसा एक कोने में रह जाता है, एक यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल से मिली है, उसको भी 2003 से लेके 2021 तक खराब करने का काम किया। चाहे इससे पहले भी वाइस चांसलर आए थे, उन्होंने भी डुबाने का काम किया था, 5 कोर्स बंद किए थे। अब ये वाइस चांसलर है, ये कोर्स बंद तो क्या करने हैं, ये बच्चों की नहीं सुन रहे। तो आप सोच लो आपका विषय किस ओर जा रहा है। तो उसी के लिए आज हम यहाँ मीडिया वाले जितने भी खड़े हैं, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांग कोई फजूल की मांग नहीं है। अगर आप चाहते हो और यूनिवर्सिटियों की भी मांगे दिखा सकते हैं, आपको दिखाई भी है। और यूनिवर्सिटी कर सकती है तो ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती। ये यूनिवर्सिटी हरियाणा सरकार के अंदर नहीं आती, UGC के अंदर नहीं आती तो बताएं। उस यूनिवर्सिटी में अलग संविधान बने तो बताएं। भारत का संविधान एक है, सभी यूनिवर्सिटियों का संविधान एक है। वाइस चांसलर वहां से है, युगांडा से ही। तो वाइस चांसलर अपने आप को पढ़ा लिखा बहुत बताता है। मैं सही बताऊं, हमारी काफी उससे ऐसे पहले भी मुलाकात हुई है, ऐसी हुई है। वो कहता मैं KUK में था, मैं पढ़ाई की तरफ बच्चों को ध्यान देता था, मैं ऐसे गर्दन करके ही रखता था, मैं बच्चे की शक्ल नहीं देखता था। वो बच्चों को अंदर आने नहीं देता था, शक्ल तो तब दिखेगी। उसको यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता, उसका सौभाग्य था, किस्मत अच्छी थी यहाँ आगे, हम स्वागत भी किया उसका। वो तो पता ही है, चलो बोलना नहीं चाहिए, मगर वो बच्चों का दुर्भाग्य करेंगे। ये APVP गारंटी के साथ कहता है उसको ये करने नहीं देगा। और मैं आपको आज भी आश्वासित करता हूँ, अगर वाइस चांसलर यहाँ अड़ियलता करता है ना, तो वो पेपर भी करवा के देख लेगा विद्यार्थी परिषद का, पूरे एक साथ एक हरियाणा में एक दिन उसको पूरी खिलाफत करने को देखने को मिलेगी। फिर ये याद रखेगा, 3 साल इसके है, 3 साल बाद ये आम आदमी बन के इसको लोग जन जन में, विजय काश जी भी थे, उनका भी पूछ लो क्या हिसाब है। कोई नहीं पूछता, उनको गालियां देते हैं। विद्यार्थी हित में जो कोई काम नहीं करेगा तो उसको धुतकारा जाएगा। क्योंकि ये सरकार बनी ज्ञापनों में मेमोरेंडम में, अब युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे ऐसी बातें लेके आ गई, मगर युवा तो देख लो कहाँ है। छोटी सी डिमांड है, मैं चाहता हूँ ये डिमांड ऐसी इतनी बड़ी है ही नहीं डिमांड जो इनके काम की ना। ये यूनिवर्सिटी KUK को फॉलो करती है, कुछ एक रूल KUK से लेके बनाती है। जब हमने कंट्रोलर VC को कहा KUK को फॉलो करके करवा दो, तब तो ये कहते हैं KUK सबसे बड़ा फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड बताते हैं A+ यूनिवर्सिटी को, ये B-grade C-grade यूनिवर्सिटी सच्चाई के रास्ते पे चल रही है और वो यूनिवर्सिटियां फ्रॉड कर रही है इनके हिसाब से। तो इनकी मानसिकता आपको पता लग रही है कैसी है। अभी कंट्रोलर साहब आ रहे थे, वो कहते हैं एक ये संविधान होता है उसके अंदर हम नहीं है, हमारे पास अटैम्प 25 नहीं। 2 पेपर हुए पिछले, दोनों पेपर में अटैम्प 25 हुए, कौन से संविधान में हुआ बता दो। नहीं हुआ तो बताओ, प्रूफ देंगे। ऊपर से VC ने ये भी बोला है, मैं पर्सनल तौर पे है अटैम्प 25 कर रहा हूँ, मैं लिखित में नहीं दे सकता। इस बार जो भी काम होगा लिखित में होगा, नहीं तो कोई काम मान्य नहीं होगा। क्योंकि ये कई बच्चों के हमारे पास रिव्यू आए थे कि ये ऑफलाइन अटेम्प्ट 25 कहते हैं, मगर वहां पे कॉलेज के टीचर कहते हैं कोई अटेम्प्ट 5 नहीं है। हम तैयारी अटेम्प्ट 25 भी करके गए होते हैं, वही मैं जानता हूँ। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ। क्या बीत रही है आपके साथ। ये आराम से बैठ के AC में मजे कर रहे हैं,
देख लो आपके पैसों का क्या हो रहा है। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, बीसी तुम्हें काम करो, चूड़िया पहनो आम करो, बीसी तुम्हें काम करो, गाड़ी देना भी है, गाड़ी बांध लेके आवाज कम हो रही है। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, बीसी तुम्हें काम करो, चूड़िया पहनो लेकिन हम लोग भी नारेबाजी कर रहे हैं, अपने हित के लिए कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। इस इंसान के जो तक नहीं रहेगी कान में, पता नहीं ये एसी में बैठा, इसको एसी फ्री की एसी की हवा कितनी चाहिए। डीएसपी भी गए हुए आर एन चौधरी जी, अभी बाहर नहीं आने देते जो अंदर चले गए। मैं आऊंगा अंदर। अरे इनके देख लेना, ध्यान रख लेना। अरे भाई आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आप लोगों के लिए जनाब, जनाब जी आप ही चले जाओ। सुनो भाई साहब, सुने को नहीं, वो पांच छह डाली अंदर है। बोतल खाली दे दो, पानी वाली भाई बर्बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, पीसी मर गया, हाय 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 हाय, पीसी मर गया, हाय 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 हाय। यही करता हूँ, निकालो इसकी।
मैं सभी को बताना चाहूंगा कि सभी को पता भी है सिरसा कितनी पवित्र धरती है। संत साई सर साईनाथ ने इसका यहाँ पे स्थापना की थी। उन्होंने क्या सोच के स्थापना की होगी, यहाँ पे इतने आंदोलन होंगे। एक किसान आंदोलन चल रहा है इधर यूनिवर्सिटी में, दूसरे दिन हर रोज यूनिवर्सिटी में आंदोलन चलते हैं। विद्यार्थी नाराज है, किसान नाराज है, रोजगार नहीं है, युवा नाराज है, सभी नाराज है इनसे, सरकार से नाराज है। ये सरकार के अधिकारी बिठा दिए, इनसे बच्चे नहीं समझ रहे, ना इनके पेपर हो रहे इनसे। तो होगा क्या आपसे, ये फीस अपनी जेब में डालते हो आप अपनी, हम जो फीस भरते हैं। तो हमारी सीधी बात है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। किसी में दम उठा के दिखा दे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 इसी तुम में काम करो, काम करो, व्यवस्थित प्रशासन मुर्दाबाद, 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 इसी तुम में काम करो, काम करो, सारी काम तो ग्रेट कर मतलब अभी कान में गुजला रहे हैं एक बार यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रशासन
बोल बोल यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 पीसी साहब मुर्दाबाद 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 पीसी साहब मुर्दाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो 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 फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो हमारी मांगे पूरी करनी होगी करनी होगी करनी होगी नहीं तो करनी भरनी होगी हमारी मांगे पूरी करनी होगी नहीं तो करनी भरनी होगी हमारी मांगे पूरी करनी होगी नहीं तो करनी भरनी होगी विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 दोनों हाथ में ऊपर करके नारा लगाएंगे स्टूडेंट्स पावर नेशन पावर स्टूडेंट्स पावर नेशन पावर स्टूडेंट्स पावर नेशन पावर भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो मांगे पूरी करनी होगी नहीं तो करनी भरनी होगी हमारी मांगे पूरी करनी होगी नहीं तो करनी भरनी होगी विद्यार्थी परीक्षा जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 पीसी हमसे डरता है तभी पुलिस को आगे करता है जब जब पीसी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब पीसी डरता है पुलिस को आगे करता है भारत माता की जय विद्यार्थी परीक्षा जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो हमारी मांगे पूरी करनी होगी सभी विद्यार्थी ऐसे आप बिना फिर हमें 15 घंटा और दे दो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती आगे डेलीगेशन आगे रुक जाओ आगे आगे सुनो सुनो ऐसे है अभी ना इधर आ जाओ सारे हम 100 विद्यार्थी हैं इधर आ जाओ एक बार आपसे ही सभी से बात करनी है सबसे आपसे सभी विद्यार्थियों से बात करनी है इधर
ऐसे है, अभी आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। वाइस चांसलर तो भाई आपकी नहीं सुनता, हमने प्रोटेस्ट भी कर लिए, प्यार से भी इनकी सारी बातें मांग ली। अब आप सभी विद्यार्थी हैं, हम यहाँ सभी आपकी राय से इकट्ठा हुए थे, अब आगे की क्या प्लानिंग है आप बता दो, वैसे ही हम करेंगे। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम पुलिस प्रशासन का साथ लें और अंदर जाएं? आप बता दो, आप पे छोड़ा अंदर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, अब शांतिपूर्वक जाएंगे। और पहले तो इन्होंने हमें रोका था, हमें किया था, मजबूर किया था ये सब करने के लिए। हम चार घंटे से बाहर खड़े हुए थे, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम पुलिस प्रशासन का साथ जाते हैं और हम अंदर जाके उनसे बात करना चाहते हैं। अगर वो बात नहीं आ सकते, उनके पैरों में दर्द होता है, तो हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। आप आगे आ रहे, 10 लोग हैं, 20 लोग तो है ना, 15 मिनट ऑर्बिट करेगा। और लड़ाई इस तरह बीसी की जिद है कि नहीं आऊंगा, अपने में जिद है कि आप इसी को देंगे। हमने टाइम दिया, अभी सबको बांध दिया है, तो एक ताना सा इसका जोर भैया है। तो ऐसे वाइस चांसलर पहले कहना चाहता हूँ मैं, आपकी तरह कई आ रहे हो जाएंगे भी, तो हम ज्ञापन देने गया है, इसको जगाने आए थे, जा गया तो ठीक है, कल इससे बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। वाइस चांसलर जब अंदर बैठे सुन लेगा, तो हम इसकी लड़ाई आज इसके बाद अभी इस डिस्ट्रिक्ट बारे में अपना पुतला दहन करेंगे और शांति प्रेस अपने घर में जाएंगे। और कल की रणनीति क्या ये आपको कब फोनों के मैसेज माध्यम से बता दिया जाएगा, लेकिन हम ना तो पांच जाएंगे, अब जाएंगे सभी जाएंगे, और लड़ाई हमारी इस तरह कल से जारी रहेगी। ठीक है, 5 मिनट और 10 मिनट और भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीसी तुम्हें काम करो, बीसी तुम्हें काम करो, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टूडेंट्स फॉरम, स्टूडेंट्स फॉरम। फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो? फीस तो पूरी लेते हो, बदले में क्या देते हो? विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब ये देख लो हमारा भविष्य किन लोगों के हाथ में है और कैसा ही हमारा भविष्य बनेगा। मीडिया ने भी देख लिया, पुलिस वालों ने भी देख लिया, कर्मचारियों ने भी देख लिया, ये आपकी पढ़ाई है, नाम की पढ़ाई है, बड़ा तरीके से कर रहे हो बच्चों को, ये क्या तरीके कर रहे हो? मेरी बात सुनो भाई साहब, बाद में आप है ना ये बात बोलोगे जाओ रख लेना कि हमारे से ऊपर होके चल रहे हो। कि कितने मुंह लग रहे हो, तुम मेरा क्या कर लेगा? बाहर आ जा मेरे, हमारी नौकरी निकाल देना जाकर के, हम आप ज्यादा बन रहे चीफ मिनिस्टर, नौकरी बाहर आ जा छोड़ कर, एक्सपीरियंस नहीं है आपको, एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने का पता नहीं है, अपने बच्चों के साथ ऐसी बात करते हो क्या आप? मेरे बच्चे हैं भाई, देखे 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 देखे। मेरे दादा की उम्र के हो आप? उम्र तेरी मांग है सुननी चाहिए, चलो डेट पूरा नहीं करना चाहिए, इस तरह थोड़ी करना चाहिए। बच्चे हैं, हमको दुश्मन है, उंगली दिखा के बात मत करो, उंगली दिखा के नहीं,
बम बनवा दियो, दुष्यंत दिग्विजय बुला दिया। दुष्यंत को नाम लेके ठंडा किया पड़ो थे, चमचा बिठा रखे, चमचा लेके मूर्तियां बनवा लियो थे, वो काम करवा लियो। खाने भी मूर्ति बनवा रहे और पांच जने जाना जी, पांच जने यूनिवर्सिटी विद्यार्थी के लिए ना, तुम्हें जी इसको इज्जत करनी चाहिए ना विद्यार्थियों की। फीस देके मैं आंदोलन करण को नहीं आवे जनाब, थे बात समझो। आपके क्या भी आपने 10 मिनट कहा था, 1 घंटा हो गया। गाल करो, गाल करो, बैठे रहे ना, आपने देख लेना। कोई बात नहीं सर, हम बैठे हैं जी, मैं तो बैठा ही आते बैठा हूं यहां बैठे दो। अब वो पर्चा हो खर्चा हो मंदरा, हम अपनी सीमा से बोलिए हमारे कांड में चल और की है ना, इज्जत करी आपके आपके कह रहे बैठे जी, देख लो पांच फिर भी आपका पांच बजे कह दी ना, लड़कियों घर के लेके आते बैठे हैं। मैं भी जी रहा है, बड़े बड़े चौधरी मिले इस तरह के दिमाग में फिट है ना, लड़कियां गलती से बन गया बेटा, ना बेटा जी आप साइड हो गए यार, आपके बच्चे हैं, आपके सामने आ गए हैं, यहाँ कौन ही साइड में करवाने और किसी साहब बच्चों से बात भी नहीं कर सकते क्या? कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बल्कि जिद है, हम बच्चे हैं, जिद है इसकी, और जिद में हमेशा बड़े बड़े लड़कियों को चक्कर आ रहे, अगर किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेदार चाहिए। अभी पांच बच्चे मिल ले, हमारा करियर खराब कर रहा और कुछ नहीं है, कर दिया इसने, हमने इतना बड़ा क्या मांग लिया जो सर हमारे से बात करें, तो क्या आत्महत्या करते हैं आज, खून तो निकल, खून का लेटर है ये, खून का आत्महत्या भी करवाएगा, ये हमारे मजबूर कर रहे हैं, ये हमारे अंदर की आंसू है, खून के खून के रो रहे हैं और हमारे कोई आंसू नहीं है, ये मारने चाहता है बच्चों को, हम यही आके मर जाएंगे। और इतने बड़े मां बहन इसने किस तरह पकवाड़ा बना रखा है बताओ, पांच बच्चे हमारी सरकार से बात होनी है, बुढ़िया आके जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ आप, खोलो खोलो, मैडम सुबह लोग देते हैं गुड़िया आगे जाओ, के करो दे जाओ जाओ आगे, यही बात मारे बच्चा, जो कोई दिक्कत नहीं।
ले रहे थे नीलियां बढ़िया रहेगा ना यो भी बचेगा क्योंकि वो अंदर डीट है आदमी हो तो मान जे है भी कुछ नहीं है चार मांगे मार किए दो के पीछे चिट कर रहे हैं पांच मिनट और मारे सनिया मारे समत बुद्धि आदमी है भाई कितने उग्रवादी पुलिस वाइस चांसलर मुर्दाबाद वाइस चांसलर शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो शर्म नहीं तो डूब मरो वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो फीस तो पूरी लेते हो बदले में क्या देते हो धरती परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो बोलो आत्माता की बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि 2.5 घंटे आंदोलन चलने के बावजूद भी सिरसा के वाइस चांसलर एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, और हमने जबकि कह दिया कोई 5 विद्यार्थी बुला के हमारी समस्या सुन ली जाए और वाइस चांसलर अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो क्या मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे वाइस चांसलर को वाइस चांसलर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो 9 जुलाई 1984 लेके और वह छात्र राजनीति की लड़ाई लड़ी है, जब कोरोना जैसी महामारी आई तो विद्यार्थी परिषद ने बढ़कर भाग लिया, जब तक कि चिकन पैक हो चाहे जम्मू कश्मीर का बात हो चाहे कहीं की बात हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के संगठन जो पीड़ा स्वतंत्र करे पीड़ा वो करे वो अलग करे अपना आंदोलन लड़ने का काम करती है। तो मित्रों ये सत्ता के लोग राजनीति के लोग जो आके यूनिवर्सिटी में ये पैसा हड़पने का काम करते हैं मित्रों, तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पर है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ ये ऐसे ऐसे वाइस चांसलर रहे तो युवा शक्ति को आने टाइम में वाइजू ना बनना पड़े, क्योंकि युवा का उल्टा वाइजू था, और वाइजू जब ठंडी चलती है सबको अच्छी लगती है, जब तो बाण का रूप ले लेती है तो बड़े बड़े तो महल भी तक दृष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों या वाइस चांसलर को एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक नहीं अनेकों वाइस चांसलर की जीत रही है कि विद्यार्थी को दबाने का, क्योंकि यहाँ पे लूटने का काम चला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाने का काम चला, बड़ा दुर्भाग्य की बोली कि आदमी नहीं हो गए मेरे पेपर नहीं हुए, एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहता है युवा भाग गया तो देश आगे बढ़ेगा, एक तरफ कहता है युवा नशे से कैसे दूर होगा। तो मित्रों यह मजबूर कर दिया गया इस वाइस चांसलर ने, आत्महत्या तक की तगार हमें इसे पैदा कर दिया, ऐसे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड गुंडे बुला लिए, ऐसे ऐसे सारे शिक्षा जिला की पुलिस बुला के हमारे सामने खड़ी कर दी गई है। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान से आए हो क्या? नहीं। तो फिर हमारे साथ ऐसे अत्याचार क्यों किया जा रहा है, क्यों वाइस चांसलर अपने तानाशाही रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं? या आज वाइस चांसलर नहीं आते तो हम कल से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और आप सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि सबसे ज्यादा छात्र तो रही है जो देश के लिए काम करती है, और आपको कहना होगा नहीं तो इसी तरह आपके हकों को दबाता रहेगा जिस तरह छोटा पाकिस्तान हमारे देश को दबाने करता है, और ऐसे ही आतंकवादी पाकिस्तान यहाँ से लोग आके घुसे हुए हैं तो हर वक्त तुम्हारे देश में ऐसे ऐसे खिलवाड़ करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य कल हमारे देश में वो बम विस्फोट होया, ऐसे ऐसे हमारे देश के राजनीतियों के लोगों के कारण जब पाकिस्तान से बैठवाए आते हैं हमारे देश पे हमला करते हैं, ये के लिए ऐसे बड़े आतंकवाद लोग हमारे सिर्फ हरियाणा में तक भरे पड़े हैं, भारत में भरे पड़े हैं, ये कोई आतंकवादी से कम है क्या? तो मित्रों आपसे बारी बारी कहना चाहता हूँ बड़े शांति प्रिय से आप बैठिएगा, क्योंकि आप छात्र नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप युवा हो, बड़े शांति प्रिय से चलने वाले हो, जब हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी तो हम पूरे हरियाणा में सर्वमंत्री से बात करके आंदोलन चलाने का काम करेंगे, और बड़े प्रशासन हमारा प्रशासन बड़ा अच्छा सहयोग कर रहा है, लेकिन हमें शांति प्रिय से 10 मिनट और देखते हैं ये वाइस चांसलर आता ठीक है, ये तो ज्ञापन हमने भी नहीं देना, हम भी लड़ाई लड़ेंगे, ये अकेला है तो हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता है, तो इससे ज्यादा तादाद संख्या बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप युवा कल से लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मित्रों तो आपका आने वाला विषय आगे अंधकार में है, ऐसे ऐसे वाइस चांसलर आएंगे, इनके बच्चे विश्व हरियाणा के भारत में जब विश्व में जाके पढ़ते हैं और हमें ऐसे यूनिवर्सिटियों में फिर भी न्याय नहीं देने का काम करते, क्योंकि एक छात्र कल मिला कहते मैंने पूछा अभी कौन से है, कहता भैया मेरी कंप्लेंट में क्या बोला, कहता मैं पढ़ता तो भवाई में हूँ और डिग्री मेरे को गर्ल की दे दी, बताओ मतलब यूनिवर्सिटी में हाल आया मतलब इतना गंदा काम इस यूनिवर्सिटी का है, मतलब लाखों करोड़ करते हैं की बात तो हमारे बड़े भाई कर्ण चौटाला जी आते हैं और एक ही विषय कहते हैं कि सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में एक तो मूर्ति थी, क्या ये दूसरी मूर्ति 80 लाख रुपए को षडयंत्र है क्या? तो मित्रों ये पैसे विद्यार्थी के लिए भी लगाए जा सकते हैं कि नहीं लगाए जा सकते? जब भी हम यहाँ RTA लगाने आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि यहाँ प्रिंटर मशीन ही नहीं है, मतलब जो मशीन नहीं है कैंपस में कुछ नहीं है तो फिर कैसे बच्चे का भविष्य बनेगा? तो मित्रों आपके हाथ में ये यूनिवर्सिटी का भविष्य, ऐसे वाइस चांसलर कभी नहीं करेंगे, पीछे विजय कायताया भी सी हमने खूब लड़ाई लड़ी उसके लिए, वो 4 करोड़ का हर्बल पार्क लगा के गया, देख लो जाके हाउस का, या
करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंगें बनाई जाती है, लूटा जाता है, क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि जिसको कुछ मालूम ही नहीं होता शिक्षा का वो हमारे शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, जिसे कृषि का नहीं मालूम होता वो हमारे कृषि मंत्री बने हुए हैं, जिसको कुछ नहीं मालूम हमारे देश के पीएम बने हुए हैं, तो मित्रों देश का कैसे विकास होगा? क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पे लगा दिए, और आपसे भाई उसे निवेदन करता हूँ कि आज 65% युवा है, जिस देश और युवा चलता है उस और जवानी चलती है, उस और देश चलता है, अब आपने तय करना देश को किस दिशा लेके जाना, और ऐसे ऐसे बाईस चांसलर पेड़ पैदा होने से बजाय आप मर जाना बढ़िया रहेगा, किसी का जिंदगी खराब मत कर, इसने तो ठान लिया है बर्बाद करनी है और बर्बाद करके जाना, ठीक है। 8 दिन पहले मैं एक्सपो ज्ञापन देने आया, बताना जी फिर भी बताऊंगा मैं, ठीक है। हमने क्या करा, समस्या थी विद्यार्थियों की यूनिफाइव की पिछली बारी, तो हमने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया, तो इसको पीड़ा होगी कि वाक्यों के, तो हमने 6 दिन बाद यहाँ भी ज्ञापन दिलाए, तो मैं अंदर था, मेरा मेज पे हाथ लग गया, तो मेरे को कहता अब लगाइयो, मैंने लगा दिया, फिर कहता अब लगाइयो, मैंने लगा दिया, तो गेट ऑफ तेरे को मार दूंगा, गोली मार दूं, ऐसे करने लग गया, मतलब ये तो पागल हो गया भाई, मैं तो भागू अपना, यो आदमी मेरे को बड़ी बड़ी चेतावनी देने लग गया, मेरे धक्का मुक्की करी, तो कहता अब की बार दिख गया ना यूनिवर्सिटी के अंदर मरवा भी दूंगा, मतलब ऐसी सोच का मानसिकता व्यक्ति है, ये चाहता है, आज की है ये हमारी समस्या को गलत है क्या? ये देखो समस्या क्या है, हमने कहा कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो, एनी फाइव समस्या से क्या होता है कि 4 जून पे चलो 2 हमने पढ़ लिए, 2 से पेपर आ जाए, हम पढ़ के अपना पास हो दूंगे, फिर 750 हमारे बच्चों को पैसे ना दे रहा पड़े और हमारा करियर ना खराब हो गया, और दूसरी समस्या ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर की है, और तीसरी समस्या कोई पेपर लेने से पहले 1 महीने 20 दिन पहले हमें अवेयरनेस करती ताकि हम तैयारी कर लें, तो इतना ढीठ आदमी और पूरे हरियाणा की यूनिवर्सिटी में ये सारी मांगें मान ली गई है, और ये एक ही है क्योंकि इधर से ऑफर आया नहीं चुनी अपनी कोठी से, आती मांग पूरी होती है, और कल आपका कोठी का भी खराब करना पड़ा तो चलेंगे, आप क्या रहो ना चलाओगे ना, पुलिस को भी बता दो आप तैयार रहो, कल हम फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत अभी सिर्फ शांति प्रिय से हम जो डीसी साहब को ज्ञापन देने जाएंगे शिक्षा मंत्री के नाम से, और एक पुत्र अपने जगह तो तुरंत अपन यहाँ से निकलेंगे, हम भी इस व्यक्ति को ज्ञापन ही देंगे, जाते जो फाड़ के कूड़े में फेंक दे, अभी इतना बहुत होता है, जिस व्यक्ति को अब तक जाग नहीं आई, तो ऐसे मैं तो आपको कहता हूँ कि शपथ लेके जाओ, अपने भाई बहनों को इस यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाओ, जीजीयू मैं कहता हूँ रियलिटी है, नहीं तो उनको भी ऐसे भुगत भुगत, क्योंकि ये 3 साल यही रहेगा और 3 साल उनका भला नहीं हो सकता, मैं आज गारंटी देता हूँ। 5 मिनट देखते हैं मिलता है, ठीक है, क्या बन देंगे पुतला भुगत कर जाएंगे, और कल की रणनीति है पहनानी है वाइस चांसलर को, फिर उसका पुतला फूकेंगे, तो ये चीज आज की और कल की तैयारी कर लो, ठीक है, क्योंकि दुर्भाग्य रहेगा ये अकेला हम 100 के फैल हो गए, और यही बात रही तो कल अर्थी भी निकालेंगे इसकी, मैडम हम लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो प्लीज सर आप भी करो थोड़ा बहुत, यो फेल अभिदार्थी फेल लड़कियाँ आगे आ जाओ, सारी लड़कियाँ आगे आ जाओ, खाना करो, मैम सुबह 9 बजे के 9 बजे के जाओ जाओ बेटा, हम आपसे पहले क्या आए हुए हैं, पुलिस वाले अपने को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, टेंशन मत, आप आगे चलो, मैम 5 लड़कियों को जाने दो, यूनिवर्सिटी प्रशासन ये चौटाला दुशांत है, शिक्षा में कलंक है, ये चौटाला दुशांत है, शिक्षा में कलंक है, ये जो चौटाला दुशांत है, शिक्षा में कलंक है, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद।
खुदेगी, वाइस चांसलर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, ये जो चौटाला दुष्यंत है, शिक्षा में कलंक है, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, भाई साहब इनको बोलते हैं हम लाठीचार्ज करो, हम अंदर जा रहे हैं। हाँ, सही है। बस बात खत्म है, सुन तो अपनी रे नहीं, 5 घंटे हो गए, करो करो फिर धक्का करते हैं। आप लाठीचार्ज कर सकते हो जी, हम आपको बोल देते हैं आप लाठीचार्ज कर लो, हम पे आप कर सकते हो काम कर लो, हम अंदर जा रहे हैं। आप जाओ, आप जाओ, लाठीचार्ज कर सकते हो, आप जाओ, हमें धक्के से बाहर निकाल सकते हो। एक सेकंड भाई साहब, सही है, चीफ सिक्योरिटी साहब एक बार मीटिंग करके आए, बताओ सर क्या कह रहे हैं। सर तो चंदो आगे, सर को तो चूड़ियां दे दो, पहले सर को चूड़ियां दे दो, पहन लो जी, आप पहन लो, आप देना भैया, भैया चूड़ियां किसके पास है, देना मेरे को, सर मांग रहे हैं, सर दो, सर दो, सर आपको गिफ्ट देते हैं जी हम, सर आपको अंदर जाओ जी, अंदर जाओ, उनको आपको गिफ्ट देते हैं जी हम, अंदर जाओ, जुबान चला रहे हो ना, बिल्कुल चलाएंगे, चलाएंगे सर, पूरी नहीं होगी, राइट है जुबान चलाने के लिए, सर हमारा राइट है, हमारा राइट है, हम अपने हक के लिए खड़े हैं, आप हमें हक नहीं दोगे क्या, ताना शाह है क्या, हमारी वजह से चलती है, आप ताना शाह है क्या, एक रह दो, एक रह दो, हमने इतना बड़ा क्या मांग लिया जो सरकार के बाहर ही नहीं आ सकते, क्यों बहस कर रहे हैं, हमने इतना बड़ा क्यों मांग लिया, तो ये क्यों बहस कर रहे हैं, अरे हमने या तो अंदर चलो, अरे ऐसे हो सकता है, सारा नहीं आते, या तो अंदर चलो, जब आप ज्ञापन लिख दो, बस चलते चीफ सिक्योरिटी साहब है, बस से क्यों बैठ कॉल देना, एक साइड में बैठ के ज्ञापन लिख दो, एक बार खुले खुले रखो सारे, ये लो ये लो, ये 3 मांगे लिखनी है, इसको लिख दो, इसको देखते हैं, पीछे लिख दो, किसी का नाम लिखना, डीसी के, किसी का नाम लिखो, यहाँ चिपका के अपने भी स्टैंड रूम लाओ, लंगर शुरू करांगे इसके बाहर, नहीं नहीं पता क्या, यहाँ बैठ जाओ, बस चलना है, अपने वो ज्ञापन फटाफट ज्ञापन लिख ले, मेरा भाई डीसी को लेके पुत्रा ध्यान रखना मैडम, यहाँ ना पढ़ा देना, सही बता रहा हूँ, कैसे कैसे बहुत यूनिवर्सिटी है, जी जी है, किसान में मेरे एम पी यू है, के यू के सर, आई जी यू, सी बी एस यू, जी यू, ध्यान रखना, गुजर देंगे बारह वही तो कह रहा हूँ मैडम, खबर
हैरी कॉल तो दे दो आप, थोड़ा तो भाईचारा रख लो। मैं माँ भी बात तो करें, बात तो करें, एक बार बात होगी मैं बस के मैं मर जाता, मैंने बंद कर दिया, खबर नहीं आती मैंने बंद कर दिया। सर डिफेंडर का तेरी कॉल करती है मेरी लास्ट नहीं बंदे भी कमाल है, बाहर नहीं आया देख। मैंने कल ना मोदी जी मन की बात सुनी है, चार पांच पूरे चक्कर पांच दस मुंडे चक्कर डिग्री तो मिली नहीं रही, लाच के दो ही नारे करो ले मरो गांधी तो चतुरी जीवन है तो नुकसान जी टेप नहीं मिलती हो गया वो लिख दिया मेरे बच्चे मैं मेरा
हमारे गेट पे चलो अपने अंदर लड़कियां को मिल रहा पांच साल का बाबा छात्रों को तो जाने दो ना पांच को बोलो आप कोई नहीं आगे हो भाई साहब साथ करें सर कोई राय आपकी कोई राय सुझाव देना चाहते हो मैं वहीं खड़ी हो हार मान के आपकी अरे आत्मोत्तर कर देता है आप तो मीडिएटर बन रहे थे सर हमारे विक्रम सिंह हाँ विक्रम सिंह ने हमारा बहुत सहायता की हमारी विक्रम जी करो कोई बात जनाब मीटिंगें इनकी लंबी चलेगी भूखा मर जाएगा भाई इधर वाला गेट बार बार तो ये हमने सामने से ही है उधर वाले गेट से तो नहीं भाग गया वो गाड़ी लेके पिछली बार पैदल भाग गया गाड़ी तो ऊपर होगी पैदल भाग गया काम भाई जिला लड़ा ही ले फ्रंट कैमरा कोई बात नहीं पता नहीं आप पता तो पेंटिंग भाई पेपर तो तू गाइड रख के करने कोई फैन काम करो चूड़ियों का रंग करो गरी गरी शॉट
चोर है, वाइस चांसलर चोर है। हम ऐसे हैं, हम शिक्षा शिक्षा मंत्री को देने चलते हैं और सब गली गली में शोर है, दुष्यंत चौटाला चोर है। गली गली में शोर है, दुष्यंत चौटाला चोर है। हरियाणा सरकार ही चोर है। गली गली में शोर है, हरियाणा सरकार चोर है। चलो एक बार पुतला फूकेंगे, चूड़ियां ले लो, गुड़िया चूड़ियां तो उनको दे दो। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देवीलाल की मूर्ति आगे मर गया फोस में। हाँ सरवाली सिंह है पीछे पीछे गंगे पीछे।
यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है अजय चौटाला के जनता मतलब समाज हो गया यहाँ से पेंडा छूट गया वाइस चांसलर मुर्दाबाद वाइस चांसलर मुर्दाबाद पीसी मर गया हाय 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 पीसी मर गया 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 हाय हाय पीसी तुम मैं काम करो चूड़ियां पहनो राम करो पीसी तुम मैं काम करो चूड़ियां पहनो राम करो भाई चांदला
मुर्दाबाद 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 करो यार और कई जगह मेरा नाम पूछते हैं इसका नाम क्या है।